नमस्कार, बोल्डस्काय में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। अपनी शादी के लिए राखी सावंत दुबई में कर रही हैं शॉपिंग। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत अक्सर अपने बयान के चलते सुर्खियों में आ ही जाती है, लेकिन इस बार राखी अपने बयान नहीं बल्कि अपनी शादी को लेकर चर्चा में छाई हुई है। पिछले दिनों राखी ने बकायदा सोशल मीडिया पर अपनी शादी का कार्ड जारी करके ये ऐलान किया है कि वो इस 31 दिसंबर को अमेरिका के लॉस एंजलिस में शादी करने वाली है। अब अपनी शादी के लिए राखी सावंत दुबई में शॉपिंग भी कर रही हैं। कुछ घंटे पहले राखी ने अपने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें राखी ज्वेलरी खरीदती नजर आ रही है। वही राखी सावंत अपनी शादी को लेकर 1 दिसंबर यानी आज दोपहर 3 बजे मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। सबके मन में यही सवाल है, क्या वाकई राखी 31 दिसंबर को बन जाएंगी कॉमेडियन दीपक कलाल की दुल्हनिया और कर लेंगी अपने जीवन की नई शुरुआत, या फिर ये राखी और दीपक का कोई पब्लिसिटी स्टंट है। सामने आया राखी का कार्ड एक मजाक लग रहा है। इस कार्ड पर गलत अंग्रेजी लिखी गई है। वेडिंग वेन्यू भी पूरे लॉस एंजलिस को बताया गया है। वही दूसरी ओर राखी खुद एक डेली न्यूज़पेपर से इस खबर की पुष्टि कर चुकी है। बता दें, इस कार्ड पर लिखा गया है, दो प्यार करने वाले एक हो रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं कि हमेशा प्यार करेंगे। आपको बता दें, दीपक कलाल हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट 8 में नजर आए हैं। वो अपने फनी वीडियो से दर्शकों को एंटरटेन करते रहते हैं। दीपक अपनी बात करने की अनोखी अदा के कारण सोशल मीडिया पर काफी चर्चित बने रहते हैं। वैसे देखा जाए तो कई साल पहले राखी ने टीवी शो पर स्वयंवर भी रचाया था। राखी ने एक कैनेडियन शख्स से शादी की थी, लेकिन राखी की वो शादी बहुत लंबी नहीं चली। राखी सावंत ने डिवोर्स लिया था। राखी का अभिषेक सावंत से भी लंबे समय तक अफेयर चला था, लेकिन राखी का वो रिश्ता भी खत्म हो गया। अब काफी वक्त से राखी सावंत सिंगल थी, लेकिन अचानक से राखी ने दीपक कलाल से शादी करने की खबर और अपना वेडिंग कार्ड सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद तो मानो राखी के फैंस कंफ्यूज हो गए कि आखिर राखी सच में शादी करने वाली हैं या फिर राखी का ये है कोई नया पैतरा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।